पक्षी पे भी अपना पोर्ट पर डॉक होने वाला है। यहाँ पे देखिए सेवन सीज वॉयजर रिजेन का खड़ा है और वो है TUI का उधर, और यहाँ पे अपना डॉक होगा बीच में अभी। और सेवन सीज में देखिए ड्रिल चल रही है, लाइफ बोट चेक कर रहे हैं, टेंडर बोट, ये दो टेंडर बोट हैं और एक लाइफ बोट है। दो टेंडर बोट इन्हें नीचे उतार रखी है और ये छोटी सी बोट दिख रही है, पायलट बोट या कैप्टन बोट इसको बोलते हैं। शिप ऑलमोस्ट डॉक होने वाला है, उसके बाद मैं निकलूंगा बाहर। तो शिप कैसे डॉक करते हैं? शिप के अंदर से पहले पतली सी रस्सी फेंकी जाती है जिसको टग लाइन या मोरिंग लाइन बोलते हैं। अभी देखिए बड़ी रस्सी आ रही है, यह है आफ्ट मोरिंग स्टेशन, शिप का बैक वाला मोरिंग स्टेशन। ये प्रोसेस शिप के आगे वाले मोरिंग स्टेशन में भी हो रही होगी, फॉरवर्ड मोरिंग स्टेशन में। बहुत भारी होती है, दो दो लोग इसे खींच के ले जा रहे। देखिए इसे यहाँ पे लॉक कर देंगे अभी। अब इस रस्सी को जो ये टग लाइन है या मोरिंग रोप है, इसे शिप के आफ्ट मोरिंग स्टेशन से टाइट किया जाएगा। और ये रहा डुबरानी पोर्ट का नज़ारा बाहर। स्वागत करते हैं आपका एक और नए ब्लॉग में, और अभी मैं हूँ डुबरानी क्रोएशिया में। डुबरानी का एक पोर्ट है पूरा, और अभी तक आपने देखा शिप यहाँ पर डॉक हो चुका है। और अभी मैं शटल बस लेके जाऊँगा ओल्ड टाउन, जहाँ पर गेम ऑफ थ्रोन्स का सेटअप है, जहाँ पे शूटिंग भी थी वहाँ पे आपको लेके चल रहा हूँ मैं। और लास्ट टाइम तो मैंने आपको आसपास का ही नज़ारा दिखाया था पोर्ट के, और आज मैं आपको ओल्ड टाउन लेके चलूँगा। तो चलिए, शटल बस है मेरे पीछे और टैक्सीज मिल जाती हैं इस तरफ को। सामने जो आपको शिप दिख रहा है ये है TUI का, मरेला एक्सप्रोर सेकेंड है। तो चलिए बस निकल चुकी है ओल्ड टाउन के लिए, पहुँच चुके हैं, बस से निकलते हैं बाहर। तो भाई फोर्ड की इतनी पुरानी गाड़ी है, मस्त बना रखी है भाई, एक नंबर। ये यहाँ पे सेल्फी पॉइंट है कैसल के आगे का, यही वो है जगह, इसके अंदर गेम्स और थ्रोन्स की शूटिंग भी थी। मेरे पीछे दिख रहा होगा आपको किला जिसके अंदर शूटिंग भी थी पूरी, यहाँ से वहाँ तक देखिए, ये है पूरा। ये एंट्री है इस किले के अंदर जाने के लिए, बहुत बड़ा है यहाँ से नीचे तक। देखिए आ चुका हूँ आपको वही जो किला है जहाँ पे शूटिंग हुई थी गेम्स ऑफ थ्रोन्स की, यह देखिए पूरा। इसके अंदर देखने का लॉक करके रखा हुआ है, पता नहीं कुछ सामान है, स्टोर रखता है। देखिए पत्थर, देखिए इतने बड़े बड़े गोल पत्थर। बहुत सही जगह है भाई घूमने के लिए, ये देखिए मस्त बनाया हुआ है। इसके अंदर छोटी छोटी गलियां हैं, ये पीछे देखिए, आपको मैं लेके चलता हूँ इस गली के अंदर। यहाँ पे रेस्टोरेंट्स हैं और आपको सीढ़ी नुमा रेस्टोरेंट्स मिलेंगे ऊपर तक, इस तरह से देखिए। देखिए यहाँ पे भी रेस्टोरेंट्स हैं, फिर आप ऊपर जाएंगे फिर आपको ऊपर और रेस्टोरेंट्स मिलेंगे। सच में बहुत अमेजिंग जगह है यार, अमेजिंग। ये तो एक्चुअली लोगों के घर हैं, ऊपर लोगों के घर हैं, नीचे रेस्टोरेंट्स वगैरह है, बट बहुत यूनिक और डिफरेंट है। देखिए इस तरह से सीढ़ियाँ हैं और यहाँ पे रेस्टोरेंट्स हैं, आप ऊपर जाएंगे फिर आपको इस तरह से रेस्टोरेंट्स मिलेंगे। शब्द नहीं है बोलने के लिए डुबरानिक के बारे में। बाकी अगर आपको डुबरानिक एक्सप्लोर करना है तो यहाँ पे आपको सबसे बेस्ट है, आप डुबरानिक कार्ड ले रहे हैं वो बहुत सस्ता पड़ता है,
उससे आपको हर जगह का एक्सेस मिल जाता है। जैसे आप केबल कार भी यहाँ पे है, केबल कार से आप ऊपर जा सकते हैं, पूरे सिटी का व्यू देख सकते हैं, तो हर चीज़ का आपको एक्सेस मिल जाता है। काफ़ी सही चीज़ है डुब्रोनिक, यहाँ तक कि बस, टैक्सीस, और आपको किसी म्यूज़ियम वगैरह में जाना है तो आप जा सकते हैं। किले के बाहर से यहाँ पे बोट वगैरह रेंट के लिए, कुछ ऐसा नज़ारा है डुब्रोनिक का। टाइम अभी यहाँ पे 1:30 बजा हुआ है, 1 बजे बाहर निकला था मैं, शिव अपना डॉग हुआ था 12:30 बजे और 1 बजे मैं बाहर आ गया था। आज हम लोग डुब्रोनिक में हैं, क्रोएशिया में। यहाँ पे गर्मी है, आप देखो सब लोग टी शर्ट में घूम रहे हैं। अब कल त्रिस्ते चला जाऊँगा मैं इटली, लेकिन वहाँ पे इतनी ठंड है, जैकेट पहन के घूमनी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा ठंड है वहाँ पे। इसी वजह से कई बार तबीयत भी ख़राब हो जाती है, कहीं किसी कंट्री में ठंड होती है, कहीं किसी कंट्री में गर्मी होती है, अलग अलग टेम्परेचर, इस वजह से मौसम की वजह से कई बार तबीयत भी ख़राब हो जाती है। और यहाँ पे बहुत सारी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ भी आप कर सकते हैं, जैसे वाटर स्पोर्ट, पैराग्लाइडिंग, बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं वो भी आप कर सकते हैं यहाँ पे आके। गलियाँ बहुत प्यारी हैं, दिखाता हूँ आपको अंदर चल के। आपको मार्केट तो बहुत देर से घुमा रहा था मैं, अभी मैं आपको यहाँ पे जो लोगों के घर होते हैं वो मैं दिखाता हूँ। वो बिल्डिंग्स भी ऐसी ही होती हैं जैसे आपको दिख रही हैं, सेम रेजिडेंशियल एरिया, थोड़ा सा दूर है मार्केट से, मैं आपको लेके चल रहा हूँ वहाँ पे। ये पूरा रेजिडेंशियल एरिया है, सुनसान सा लग रहा होगा आपको, ये लोगों के घर ऊपर पूरा रेजिडेंशियल एरिया। और क्रोएशिया में भी आपको डॉग्स कम और बिल्लियाँ ज़्यादा देखने को मिलेंगी, बहुत ज़्यादा कैट। ये देखिए एक कैट और निकल गई पीछे से, बहुत कैट्स हैं यहाँ पर। यहाँ पे कंस्ट्रक्शन काम चल रहा है और पत्थर किस तरह से ले जाए जा रहे हैं, मशीन देखिए। पीछे जनरेटर है, मैंने उनसे बात की, वो जो मशीन है काफ़ी डिफरेंट है भाई, वो जो जैसे पत्थर लेके जा रहे थे, वो कंस्ट्रक्शन का कुछ काम कर रहे हैं आगे वो, बट सही है, उसको आप कहीं भी लेके जा सकते हो, उसके लिए कोई वो ज़रूरी नहीं है कि प्लेन रास्ता ही हो, सीढ़ी वीढ़ी कहीं भी चढ़ा दो उसको, मस्त है। रिस्पेक्ट करते हैं यार यहाँ पर लोग ना किसी की भी। वो देखिए ये आ रहे थे वहाँ से नीचे से ऊपर और ये रुक गए कि चलो इनको जाने दो, पहले भसड़ नहीं करते हैं, फिर से रुक गए। अब कौन आ रहा है भाई। और क्रोएशिया में एक खास चीज़ है, अगर आप होटल वगैरह में नहीं रहना चाहते हैं तो यहाँ पे आप हॉस्टल ले सकते हैं, अपार्टमेंट्स ले सकते हैं, आपको इजीली मिल जाएंगे वो, तो वो सही है। ये रहे छोटे छोटे स्कूल के बच्चे, मुझे स्प्लिट और डुब्रोनिक दोनों सेम जैसे लगी, बिल्डिंग्स वगैरह यहाँ का सेम लगा, बट ज़्यादा थोड़ा डिफरेंट है, ज़्यादा बिल्कुल डिफरेंट है इनसे, बाकी ये दोनों सेम सेम ही हैं। गेम्स ऑफ थ्रोन्स का वो बनाया हुआ है और 15 यूरो में आप फोटो ले सकते हैं इसमें बैठ के, बहुत महंगा है भाई। ये जो भी स्ट्रीट लाइट्स हैं इनमें सब अपनी शॉप का नाम लिखते हैं लोग, और पूरी सिटी के अंदर जो भी इंफॉर्मेशन दी जाएगी या जो भी बोर्ड्स वगैरह होंगे इसी में होंगे। ये इस कलर का जो है कपड़े का इसी का रहेगा, पूरे डुब्रोनिक में, पूरे डुब्रोनिक में नहीं, पूरे स्प्लिट में, जादर में यही आपको देखने को मिलेगा। अरे बंदा सेल कर रहा है डुब्रोनिक के सेवेनियर्स और फोटो खिंचवाएं इस बंदे के साथ, डुब्रोनिक 2024। और ये है इनके यहाँ के ट्रेडिशनल कपड़े जो पहने हुए हैं, ये रहे यहाँ पे चेस्टनट्स। ये है बस स्टॉप यहाँ पे,
सारी गवर्नमेंट की बसेस हैं डुब्रोनिक में। अभी जो मेन सेंटर है वहाँ पे मैं घूम रहा था, अभी मैं थोड़ा साइड में आ गया हूँ। यहाँ पे आपको थोड़ा सुनसानी सी लग रही होगी, इससे नज़ारा कुछ इस तरह का है। डुब्रोनिक समतल जगह पे नहीं होने के कारण यहाँ पे घूमने में थकान बहुत होती है, क्योंकि ये पहाड़ी में है तो कभी नीचे कभी ऊपर कभी सीढ़ियों में जाओ, इससे थकान काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी घूमने में। ये भी पूरा रेजिडेंशियल एरिया है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ अभी। ये जो सामने आपको दिख रहा है ये है यूनिवर्सिटी। तो ज़्यादा अंदर तक नहीं जाऊँगा क्योंकि यहाँ पे जो यहाँ के रहने वाले रेसिडेंट्स वही अलाउड है, जगह जगह बोर्ड लगे हुए हैं ओनली रेसिडेंट्स। तो निकलता हूँ से बाहर अभी। तो चलिए, बहुत देर से घूम रहा हूँ, अभी निकलता हूँ बस के अंदर। बस है सामने, बस के अंदर आ चुका हूँ और बस अभी पूरी खाली है। बाकी आपको मैं टाइम लैप्स में दिखाऊंगा आगे जब बस यहाँ से निकलेगी। और ये जो बंदा आपको बाहर दिख रहा है ये अपने शिफ्ट का बंदा है, इटली का, टूर डिपार्टमेंट का, की ड्यूटी है यहाँ पर। तो चलिए इंजॉय करिए टाइम लैप्स में आगे का व्यू। चलिए, थैंक यू, पहुँच चुका हूँ टर्मिनल के अंदर, अब जाना है शिप के अंदर। मुझे ब्रिज देखिए कितना मस्त लग रहा है। और इस तरफ को आपको जो दिख रहा है ये है पुलिस स्टेशन। हर पोर्ट के अंदर या पोर्ट के बाहर एक पुलिस स्टेशन होता है, ये है मैरिटाइम पुलिस स्टेशन। और ये ब्रिज देखिए कितना मस्त लग रहा है। आपको एक चीज़ दिखाता हूँ मैं, पहले तो ब्रिज देखिए आप, अब यहाँ पे देखिए शिप। बिल्कुल थोड़ा सा आगे जाएगा तो उसका जो पीछे का फनल है वो टूट जाएगा। जैसे फनल दिख रहा है आपको लिखा हुआ है, अगर शिप आगे जाएगा ना तो ये फनल टूट जाएगा या फिर ब्रिज टूट जाएगा, दोनों से कुछ ना कुछ टूट जाएगा। वैसे तो ब्रिज नहीं टूटेगा, ब्रिज तो बहुत मजबूत लोहे का बना हुआ है। कई कई बार क्या होता है पता है, ये शिप ऐसे ब्रिज के नीचे से भी जाते हैं। इस तरफ को एक पुलिस की कार है देखिए, और ये रही पुलिस की बोट। बोट पानी से बाहर उतार रखी है, पता नहीं क्यों यहाँ पे रखी हुई थी। और ये रही पुलिस की बैन। चलिए मैं निकलता हूँ शिप के अंदर और इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।